एज अ सिविक रिपोर्टर 40 साल पहले मैं धारावी की रिपोर्टिंग करता था, तब से पुनर्वसन सुनते थे, लेकिन अब ये होता हुआ दिख रहा है। हमको लगता है कि जो अब नई दुनिया बनने वाली है, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, उसमें मुंबई उस जगह के लिए टेक ऑफ के लिए रेडी है। और उसमें मैं धारावी के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इसमें लोगों को भरोसा दिलाना ज़रूरी है। आपने बहुत सही बात कही, धारावी की बात जैसा आपने कहा 40 सालों से चल रही है लेकिन हो नहीं पाता था। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, हमने पहले इसका पूरा अभ्यास किया कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और मूल रूप से इसमें दो प्रॉब्लम हमारे को विशेष रूप से नज़र आए। एक, लोगों का पुनर्वसन वही करना है, पुनर्वास वही करना है, लोगों को वहीं पर घर देना है। लोगों को अगर वहीं पर घर देना है तो कोई ना कोई लैंड हमको चाहिए कि जिस पे हम पहले कंस्ट्रक्ट कर पाए और लोगों को वहाँ शिफ्ट कर पाए और यहाँ पर वापस हम लोग बना पाए। अब वो लैंड भी धारावी में ही हमको चाहिए, ये तो लोगों का विश्वास हम नहीं जीत सकते। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि वहाँ पर रेलवे की लैंड है, और हम लोग केंद्र सरकार के पास गए, हमने कहा कि ये लैंड हमको दीजिए। मोदी जी ने तुरंत हम लोगों को लैंड दी, हमने उसमें पैसे भर के उस लैंड को खरीदा, तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल हो गया। और अब इसमें लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, जो पात्र लोग हैं उन सबको वहीं पर हम घर देने वाले हैं, किसी को बाहर नहीं ले जाएंगे।